नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं दुर्गेश सूर्यवंशी एक बार फिर आपका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का वो टॉपिक जो हर एक एग्जाम में आता है, कहीं ना कहीं एक से लेकर दो क्वेश्चन यूनिट डिजिट के हर एग्जाम में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है यूनिट डिजिट। चलिए सबसे पहले यूनिट डिजिट का बेसिक सीखते हैं कि यूनिट डिजिट है क्या। तो इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या है, किसी संख्या का हमेशा ध्यान रखो लास्ट डिजिट या अंतिम अंक हमेशा इकाई अंक होता है। अंतिम अंक कोई सा भी नंबर अगर लोगे तो उसका अंतिम अंक ही उसका इकाई अंक कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो भाई कोई सा भी एक नंबर लेते हैं रेंडमली, तो 2, 4, 3, 6, तो बताओ इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। इस टाइप वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिए कि लास्ट डिजिट का हमको यूज ही करना है, सारे नंबर से कोई मतलब रखना। तो पहला हम क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर जैसे 2, 4, 2, 4, 6 + 1, 4, 3 + 1, 2, 3। आपसे पूछ जाएगा भाई बताओ इसका इकाई क्या होगा, तो हमको लास्ट डिजिट से मतलब रखना है, स्टार्टिंग वाले नंबर से कोई मतलब नहीं रखना। तो इसका इकाई कितना? 6 है। इसका कितना है? 3 हो गया। इसका कितना है? 3 रहेगा। साइन किसका है? प्लस का। तो सबको आपको प्लस करना है, सभी को आप प्लस करिए। 6 और 6 12, 12 मतलब इस क्वेश्चन का इकाई कितना होगा? 12 होगा। आई होप कि ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसका आपको इकाई निकालना। तो जैसा फंडा मैंने बताया कि लास्ट डिजिट से आपको मतलब रखना, लास्ट वाला अंक से। यहाँ पे बताओ कितना है? 4 उठा लीजिए। यहाँ पे भाई 8 है वो उठा लीजिए। यहाँ पे कितना है आपके पास? 4 बेटा है। यहाँ पे कितना है? सभी का मल्टीप्लाई करना, लेकिन एक ही डिजिट का आपको यूज करना। 8 और 4 बताओ कितना? 32। 32 में से ओनली 2 उठाइए यहाँ पे, ठीक है। 4 दिन बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। 8 ले लीजिए। और 6 और 8 बताओ कितना होगा? 48। 48 में लास्ट डिजिट क्या है? 8। और 8 ही सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन था एकदम बेसिक था। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं बेसिक लेवल का। अब क्या इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सभी का मल्टीप्लाई करो, लास्ट वाले डिजिट का आपको बताना है, लास्ट वाला डिजिट क्या होगा। देखिए वही स्टेप, वही सेम कहानी हम रिपीट करेंगे। यहाँ से 8 ले लीजिए, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना? 6। यहाँ पे कितना? 2। सभी का मल्टीप्लाई करना, लेकिन लास्ट डिजिट का आपको यूज करना ही है। 9 कितना? 72 में से आप यहाँ से 2 उठा लीजिए। 6 और 2 कितना? 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना? 4 आएगा। तो ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि ये सिंपल वाला तरीका आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सीरीज उन्होंने दे दी है। सीरीज दे दी है कि 61 से सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक यार ये सीरीज? 69 तक। सभी का मल्टीप्लाई हम करेंगे और लास्ट डिजिट का आपको बताना है कि लास्ट डिजिट में क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आप पावर, पावर ऑफ 5, 5 की पावर क्या होती है? पावर ऑफ 5 थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब 5 की शक्ति क्या होती है। किसी भी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो वो नंबर इवन होगा भाई, या क्या होगा, वो नंबर ओड हो सकता है। दो कंडीशन ही बनती है, इससे ज्यादा कंडीशन नहीं बनेगी। इवन का मतलब हिंदी वाले सम संख्या, सम संख्या, और ओड का मतलब क्या होगा? विषम संख्या। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, कभी भी किसी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो नंबर एक सम संख्या मान लो 2 ले लेते हैं, तो लास्ट वाला अंक बताओ क्या होगा भाई? 0 होगा। हमेशा ध्यान है कि बहुत ओड पॉइंट बता रहा हूँ। सेम कहानी यहाँ पे हम रिपीट करते हैं, 5 किसी ओड नंबर ले लेते हैं, विषम संख्या मान ले 3 ले लेते हैं, तो मतलब लास्ट में क्या होगा? 5 आएगा। तो आई होप ये पूरा आपको बेसिक समझ में आया होगा कि 5 का एक इवन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट बताओ कितना आएगा? 0 आएगा। 5 का एक ओड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा था? 5। लास्ट 5 और 0 का मतलब यूनिट डिजिट से मतलब। तो इस वाले क्वेश्चन का आसानी से हम उड़ा देंगे। देखो क्या करना, तो ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही, मतलब 61 से स्टार्ट हो रही भाई, 61 से स्टार्ट हो रही है, 62 तक जा रही है, 63 भी हम लिखेंगे, 64 हो गया। अगला वाला कौन सा डिजिट होगा? 65। तो देखो यहां पे मैंने क्या बताया, 5 और ये 4 आ गया भाई। तो 5 और 4 मतलब क्या है कि 5 का इवन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और 0 ही सवाल का सही आंसर होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में होगा। थोड़ा ध्यान रखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमको पावर ऑफ 5 का यूज करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, तो बताना है कि भाई यहाँ पर इकाई क्या होगा। तो देखो वही की वही कहानी फिर हम रिपीट करते हैं, नया कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है, यहाँ पे 3, फिर 4, फिर बताओ क्या हो जाएगा? 5। 5 आ गया है, हमारा काम खत्म। देखिए 5 4 कितना? 20। 20 मतलब लास्ट में इकाई क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या? ए सवाल का सही नहीं होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते हैं, है ना।
तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसा क्या रहेगा। ये पावर वाला क्वेश्चन, और समझिए ये थोड़ा अगला टाइप है भाई। कभी भी किसी भी नंबर की पावर गिवन हो तो क्या कंडीशन रहेगी? सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए भाई, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या। कभी भी मान लो ये एक्स और वाई कोई नंबर है भाई, उसकी पावर ले लेते हैं, ये पावर भाई यहाँ पे ए है। तो आपको क्या करना है, जो पावर रहेगी कोई सा भी नंबर एक्स वाई जेड, यहाँ पे पावर को हमेशा किससे भाग लगाओ, अब चार से भाग लगाओ। चार से अगर भाग लगाओगे तो हमेशा रिमाइंडर से मतलब रखिए, किससे मतलब रखो, रिमाइंडर मतलब शेषफल से आपको मतलब रखना है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, हर एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हो। तो ध्यान से देखिए क्या करना है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि सेवन की पावर बताओ कितना है, सेवन की पावर कितना है, 1.05 है। तो मैंने क्या बताया कि जो भी पावर रहेगी उसको हम बाहर उठाएंगे। पावर बताओ कितना है, यहाँ पे पावर है 1.05। किससे भाग लगाओगे, हमेशा चार से ही भाग लगाना, चार से आपको भाग लगाना है। तो यहाँ से रिमाइंडर से मतलब समझिए, रिमाइंडर कितना होगा, तो आप भाग लगाइए चार से, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, एक आएगा। जो भी रिमाइंडर है, थोड़ा ध्यान दीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, जो नंबर गिवन रहेगा भाई, उसके पावर के फॉर्म में लिखना। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या, 7 की पावर 1 का मतलब का इकाइंग बताओ क्या होगा, 7 होगा। तो सी वाला ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की भाई यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। जैसे बड़ा सा नंबर ले लेते हैं भाई 2, 4, 6, हम 8 ले लेते हैं कि पावर 1, 4, 3, और यहाँ पे ले लेते हैं 7, ठीक है। ये सब बताया मैंने कि हमको पावर से मतलब रखना है, चार से भाग लगाना है, रिमाइंडर से मतलब रखना है। तो देखिए क्या करना, बड़ा नंबर भाई, तो आगे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, आगे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा आगे वाले नंबर। देखिए हमको सिर्फ इस 8 से मतलब, इस 8 से मतलब है। और पावर कितनी, 1, 4, 3, 7 है। थोड़ा ध्यान रखिए, पावर भाई इतनी बड़ी पावर क्यों ना हो, हमको सिर्फ 2 ही अंक लेना लास्ट के, थोड़ा ध्यान रखिए, इजी हो जाएगा भाई। तो पावर यहाँ पे 37 लेते हैं, तो 37 में आप 4 से भाग लगाइए, तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से शेष पर आ जाएगा 1। इसको समझ में नहीं आ रहा कि रिमाइंडर कैसा है, तो आराम से आप घर बैठ के ये 4 का टेबल अगर आपको आता है तो 37 में भाग लगाइए, 9 टाइम्स जाएगा मेरे हिसाब से, 36 आ जाएगा यहाँ पे, और रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर समय है तो आप ये करिए, नहीं तो शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। तो पावर भाई यहाँ पे 1 आई, यहाँ पे लास्ट डिजिट उठाइए, 8 की पावर 1 का मतलब क्या, 8। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा भाई, 8 हो जाएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा फंडा है, पावर उठाइए आप, उसमें 4 से भाग लगाइए, और रिमाइंडर को जो भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट में हमेशा पावर के फॉर्म में चढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं सेम टू सेम, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, जैसा बताएगा वैसा करिए आप। ये वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होगा, ये वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। और ये हमको क्या, यहाँ से 2 डिजिट लेना बस। तो 67 में आप 4 से भाग लगाइए, 67 में आप 4 से भाग लगाइए, तो भाई यहाँ से रिमाइंडर 4 से काटो, उसको एक बार कैरी कर दो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ से बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो लास्ट वाला डेट बताओ क्या है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि 3 को आप कितनी बार रिपीट करके लिखो, 3 को आप लिखिए 3 बार रिपीट करके, ये 3 का आप क्यों निकाले, एक ही बात है। तो फाइनली बताओ यहाँ पे 27 आया जाएगा, तो 7 के सवाल का सही आंसर होगा, मतलब ये जो क्वेश्चन गिवन है उसका इकाइंग कितना होगा, 7 होगा। सबसे ईजी वाला तरीका मतलब ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे कभी ऐसा होगा भाई कि जो पावर है वो 4 से पूरी तरह से डिपॉजिट होगी, मतलब रिमाइंडर हमारे पास कुछ बचा नहीं, कभी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम कैसा करेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही का वही जैसा बता रहा हूँ। कभी भी पावर 4 से डिवाइड आया है, डिवाइड हो गए मान लेते हैं, यहाँ उठाइए 40 भाई, 40 में आप 4 से क्या लगाइए, भाग लगाइए, तो बताओ रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया भाई 0। तो क्या करेंगे अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3 की पावर भाई कितना, 0 हम लगाते हैं, 3 की पावर 0 मतलब ऐसा नंबर किसी पावर अगर 0 हो तो उसका यूनिट डिजिट बनाता है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भाई गलत हो जाता है। इसका ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करेंगे, जब नंबर जो होगा वो 4 से पूरा तरीके से डिवाइड होगा तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर यहाँ से बताओ कितना आया, 0 आया, तो 0 के बदले क्या लिखोगे आप, 4 लिखना, हमेशा ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा हॉट पॉइंट है कि रिमाइंडर अगर 0 आ गया है तो 0 के बदले पावर कितना चढ़ाओगे, 4 आपको चढ़ाना है। तो सेम कहानी वही हम रिपीट करते हैं, 3 की बार बताओ कितना, 4 है, 3 को आप 4 बार लिखिए, 3 को आप 4 बार लिखिए, तो फाइनली बताओ कितना, यहाँ से 80 बनाएगा, तो 81 में 1 इस सवाल का सही आंसर होगा। आई होप कि ये जो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट ये सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ टिप्स लिखिए जो हमेशा आपको आगे काम में आएगी। आगे कौन से टिप्स, देखिए क्या टिप्स बताया, ध्यान देखिए, ये कोई नंबर है एक्स वाई, आगे कोई सा डेट है, यहाँ पे कोई 0 आ गया, ठीक है, पावर कुछ भी हो ले ले, 2, 5, 6 ये 3 ले लो, कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई नंबर हो एक्स वाई के फॉर्म में, यहाँ पे 1 आ गया यूनिट डिजिट, यहाँ पे कोई सा भी एक्स वाई जेड में कोई सा पावर ले लेते 4,
फाइव फोर थ्री सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे ले लेते हैं फाइव और यहाँ पे सिक्स वन सिक्स नाइन ले लेते हैं, कोई सा पाप ले सकते हो। यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे ले लेते हैं सिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे वन फोर थ्री ले लेते हैं, ठीक है। तो वन फोर थ्री आप बाकी हो सबसे आगे बढ़ते हैं क्या होता है। देखो कभी भी एग्जाम में आपके पास यहाँ पे जो नंबर इकाई अंक की बात करें, यहाँ पे अगर जीरो आएगा तो आग बंद करके इसका इकाई अंक जीरो ही होता, हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे अगर एक आया है किसी भी नंबर में, कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, पावर से मतलब नहीं भाई, यहाँ पे आना चाहिए। एक आया तो आंख बंद करके उस क्वेश्चन का इकाई कितना होगा, एक ही होगा। यहाँ पे अगर पांच आया है तो उस संख्या का इकाई क्या होगा, पांच ही होगा, थोड़ा ध्यान रखिए। और लास्ट में अगर छह आया है तो इकाई बताओ कितना है, अच्छा है। तो हमारे पास चार डिजिट निकल के आई, और कौन कौन से फोर डिजिट है, एक तो जीरो है, एक तो वन है, फाइव है, और बताओ कितना, सिक्स। ये हॉट पॉइंट, थोड़ा ध्यान रखिए भाई, ये हॉट पॉइंट है, हॉट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। कभी भी लास्ट में जीरो हो, वन हो, फाइव हो, तो यूनिट डिजिट आप आग बंद करके वो ही कवर लिखिए। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इसका हम यूज करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन ले, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया रहेगा, डेंजरस क्वेश्चन है, एक साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन करेंगे, वही कहानी हम रिपीट करेंगे, नया कुछ भी नहीं है। आप भाग लगाई चार से भाई, भाग लगाई चार से, रिमाइंडर कितना आया यहाँ से, 149, 149 में चार से भाग लगाई तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा, वन, तो थ्री की पावर वन लिखे, ठीक। सेम कहानी यहाँ पे हम रिपीट करेंगे भाई, यहाँ पे पावर कितनी है, 150 है, चार से भाग लगाइए तो बताओ रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर यहाँ से आया दो, तो तीन की पावर आपको दो लिखना है। सेम कॉन्सेप्ट फिर रिपीट कर रही है, यहाँ पर पावर कितनी, 151 है, तो 151 में हम भाग लगाएंगे चार से तो रिमाइंडर कितना है यहाँ से, भाई तीन आएगा, तो तीन की पावर हमको तीन लिखना है, इन सबको हमको ऐड करना है। थ्री की पावर वन का मतलब क्या, थ्री होता है, थ्री की पावर टू का मतलब क्या हो, नाइन, थ्री की पावर भाई थ्री का मतलब कितना, 27 हो, इन सभी को आप ऐड कर रही है, तो नाइन और 27 36 में हम अगर थ्री ऐड करेंगे 39, तो इन सभी का यूनिट डिजिट क्या होगा, नाइन। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, नाइन, ई साल से नो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर दो क्वेश्चन को कमेंट करके एक क्वेश्चन बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसा क्या रहेगा आगे। हाँ ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया, कुछ भी नहीं है, कुछ हम लास्ट जो बताया था उसका हमको यूज करना है। देखो लास्ट में क्या बताया था मैंने कि लास्ट में अगर छह आया था इसका इकाई कितना होगा, छह होगा, ठीक है, उसको तो निकालने नहीं अपने को। इसमें भाग लगाइए 65 में, अब चार से भाग लगाइए तो रिमाइंडर कितना भाई, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 1 2 3 की बार बताओ कितना लिखेंगे यहाँ पे, सेम कहानी फिर रिपीट करेंगे। 71 में अब चार से भाग लगाइए, 71 में अब चार से भाग लगाइए तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, तीन आएगा, 7 की पावर बताओ कितना, 3, तो 7 की पावर 3 मतलब 7 का क्यों कितना होगा, 343 होता है यहाँ पे, 6 ऐसा कैसा, यहाँ पे 3 ऐसा कैसा। लास्ट डेट का यूज करना है, लास्ट डेट का यूज करना, 3 और 6 कितना 18 में 8 ले लो, 8 और 3 कितना 24, 24 में इकाई कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर किसमें देख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम बेसिक वाले कर चुके हैं, आगे देखते हैं। हाँ अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन, ये आपसे उस क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया, अपोजिट पूछ लिया कि बताओ किस किस का इकाई कितना 6 होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई इसमें से ऐसे कितने नंबर है जिसका यूनिट डिजिट इकाई कितना होगा, 6 होगा। तो पहला हॉट पॉइंट मैंने क्या बताया था कि 6 आना चाहिए, कौन कौन से नंबर जिसमें 6, उसको बाहर उठा लो सभी को भाई। तो एक नंबर ये बेटा सर 36 की पावर कितना, तो इसका इकाई कितना 6 होगा। और अगला नंबर कौन सा होगा भाई, अगला नंबर कौन सा होगा, ये होना होगा। तो दो नंबर तो हमारे पास हो गए हैं, तो ऑप्शन में दो दिख रहा है क्या, ऑप्शन दो तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब और हमको सोल्व करना पड़ेगा। 39 की बात करें तो देखो 39 में ओनली 9 उठाइए, 9 की पावर 2 का मतलब क्या, 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 81 मतलब क्या, यूनिट डिजिट कितनी होगी बताओ, 1 होगी। बंदा मांग क्या रहा है 6, तो भाई ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया यार। अब उठाते हैं 8, 28 मतलब 8 उठाएंगे ना, लास्ट डिजिट का मतलब रखिए आप, 8 की पावर 2 का मतलब क्या, 64, लास्ट में 4 आ रहा, तो भाई ये ऑप्शन भी गलत हो गया यार। हम एक 34 उठाते, 34 में कितना 4 का स्क्वायर करेंगे, 16, भाई काम बन गया हमारा यार, 16 मतलब एक ही वाला नंबर, कौन सा नंबर हम ले लेते हैं, एक ही वाला 34, लास्ट वाला एक बार चेक करना पड़ेगा आपको, 8 का स्क्वायर अभी हमने निकाला, देखो 8 किधर गया भाई, ये तो लास्ट में क्या रहा 4, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो ऐसे कितने नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा, तो ऐसे 3 नंबर हमने सर्च कर दिए, एक ये वाला, ये वाला, और लास्ट भाई साहब कौन सा वाला, लास्ट में ये, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन आपको ही पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज आपको समझ में आ रही हो,
और जिसको समझ में नहीं आ रही वो एक बार इस वीडियो को फिर से रिपीट करिए ना, बहुत अच्छा तरीका है बताने का, नया कुछ भी नहीं। इसमें बताना भाई कि इकाइंग क्या होगा, इकाइंग क्या होगा, डेंजरस क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा लेकिन बनाया गया, बताओ इसका इकाइंग कितना होगा, इसका तो आप वन लिख लो, अभी बताया हॉट पॉइंट से वन ऐसा का ऐसा रहेगा। सेम कहानी फिर यहाँ रिपीट करेंगे, बताओ इसका यूनिट डेट कितना होगा, 99 में हमको लास्ट के दो यूनिट उठाना, अगर पावर बढ़ जाती है तो आंखें के दो अंक उठाइए, उसमें हमारा काम बन जाता आराम से। तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, तीन आएगा, इससे सात की पावर तीन प्लस ऐसा कैसा वन ऐसा कैसा माइनस ले लेते हैं। सेम कहानी अब बताइए, सेम टू सेम क्या ये और ये क्या सेम टू सेम है क्या भाई साहब? हाँ दोनों सेम टू सेम, लास्ट डेट की बात कर रहे हैं, पूरे नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसकी सात के बार तो भाई साहब ये इससे निपट जाएंगे, सल्टा देंगे अपने सात के बार तीन से, सात के पावर सात तीन सलट जाएगा, सॉरी सात के बार तीन और सात के माइनस सात प्लस माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल बताओ क्या आएगा, एक ही सवाल का सिंपल होगा, ऑप्शन किस में दिख रहा था भाई, बी वाला ऑप्शन में दिख रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन का पैटर्न बदलते हैं। हाँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना, कमेंट बॉक्स में देना, सेम वही पैटर्न है, नया कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर सभी सभी चीजें अगर आपको समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन ले लिया था, थोड़ा सा ब्राइटली चेंज कर दी, नया कुछ भी नहीं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई इसकी आप यूनिट निकालिए और इसका निकालिए, दोनों क्या करना माइनस कर देना, तो वही कोई काम करते चलो। 95 में आप चार जब भाग लगाइए तो भाई यूनिट कितना तीन, सेवन के बाबा थी लिख लीजिए, काम खत्म। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना 58 में किसका भाग लगाइए चार से, तो रिमाइंडर कितना आया यहाँ से भाई साहब, रिमाइंडर यहाँ से आया आपके पास कितना दो आया, रिमाइंडर कितना है दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन के बार बताओ कितना करेंगे, दो करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान क्या रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए क्या, देखिए ये वाला सेवन के पावर थ्री का मतलब क्या, थ्री फोर थ्री भाई साहब, सेवन थ्री के पावर बताओ कितना टू, थ्री के पावर टू का मतलब क्या नाइन, नाइन नाइन। अगर लास्ट डिजिट उठाएंगे यहाँ से थ्री, यहाँ से कितना नाइन, तो बताओ हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस का सिक्स, तो माइनस का सिक्स किसमें नहीं दिख रहा है, तो गड़बड़ी होगी यार। ठीक है लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा बोर्ड पॉइंट आपको बता रहा हो कि यूनिट डिजिट इकाई अंक कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नॉट नेगेटिव, इतना ध्यान रखिए, इकाई अंक कभी भी आपका माइनस में नहीं आता, हमारा आंसर कभी भी इस वाले चैप्टर में इस वाले क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं आ गया, यहाँ तो नेगेटिव आ गया भाई साहब क्या करेंगे फिर। देखिए क्या शॉर्ट तरीका, कभी भी नेगेटिव आ गया तो जो नेगेटिव अंक है, नेगेटिव वाला जो है उसको हम दस में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, काम खत्म। तो इजी वाला तरीका, नेगेटिव आया है तो दस में से क्या कर दो, माइनस कर दो भाई, तो दस में से यहाँ से कितना माइनस करेंगे, छह माइनस कर देंगे, माइनस का छह कर दो तो इकाई अंक बताओ कितना होगा, चार आ गया। ऑप्शन नंबर किस में देख रहा, ऑप्शन नंबर सी में देख रहा, ये थोड़ा सा हॉट पॉइंट देखिए, नए वाले स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं कि नहीं इकाई अंक कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, इसकी पावर 95 है, ये 58 है, इसको 95 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसको 58 वाले टाइम्स मल्टीप्लाई करना, जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर माइनस करना, ऑब्वियसली ये वाला नंबर इसकी पावर ज्यादा है तो ये ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा आएगा, तो नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे कैसा क्या रहेगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं, बस पुराना कॉन्सेप्ट है भाई, इसका तो आग बंद करके भाई क्या लिखो, पांच लिखो, आपको पता चलूंगा लास्ट में पांच ये बन आ रहा भाई साहब, तो इसका भी क्या आएगा, बन आ रहा हमेशा ध्यान, पर इसका निकालना 93 में चार से भाग लगा सल्टा, तो उसको ना चार से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे इकाई कितना आएगा, एक आएगा, चार की पावर एक का मतलब क्या, चार पांच बीस, बीस मतलब लास्ट में बताओ क्या आएगा, जीरो, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। तो ये बेसिक बेसिक सारे क्वेश्चन करवा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक एक ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ते आ रहा हूँ, इसका बताना कि इकाई क्या होगा, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देना, तरीका वही का वही, नया कुछ भी नहीं, बस लास्ट डिजिट का थोड़ा सा यूज करिए। आगे बढ़ते हैं, लेवल थोड़ा चेंजेस करते हैं आपका, हाँ ये सेम टू सेम यही वही क्वेश्चन है, चलो इसको मैं करवा देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन नया कुछ भी नहीं है, देखो इसका इकाई क्या भाई साहब, यहाँ भी वन लिखो क्योंकि लास्ट में वन, इधर भी आपके पास क्या आएगा, वन आएगा, यहाँ तो छह लिख देना, आपको बता चुका हूँ हॉट पॉइंट आपके पास कौन कौन से, जीरो हो, वन हो, फाइव हो, सिक्स, लास्ट में कभी भी हो, कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए, तो आंख बंद करके वही का वही, तो सेम कहानी यहाँ पे कितना आएगा, पांच आएगा, लिख दो काम पता, यहाँ से बताओ कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, तो माइनस का साइन आपको यूज करना, पावर भाई चार है, चार मतलब सिक्स की पावर फोर हम लगाएंगे, चार से चार में अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भाई जीरो आता, सिक्स की पावर फोर कैसे निकालोगे, तो सिक्स का फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखे, ठीक है सॉरी पहले ये बता चुका हूँ ना, सिक्स तो सिक्स लिखिए, थोड़ा मिस्टेक होगा भाई, मिस्टेक ना, सिक्स है तो सिक्स लिखिए, ठीक, नाइन आपको ऐसा कैसा लिखना है, लास्ट
अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं भाई साहब, कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना नेगेटिव कभी नहीं आएगा। एक काम करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं ठीक, और इनको प्लस कर देते हैं, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, पांच छह कितना सात, सात मतलब माइनस का दो, मतलब यहाँ पर छह और छह कितना बारह हो जाएगा, बारह में से हम दो ले रहे हैं इन दोनों का, प्लस का कितना नाइन ले लेते हैं ठीक है। छह और माइनस का छह, माइनस का छह बारह, बारह मतलब माइनस का लास्ट डिजिट क्या दो आएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट अगर करोगे तो सात में से भाई पांच गया कितना हो जाएगा, सात में से पांच, सॉरी सात में से दो गया पांच, फाइव प्लस नाइन मतलब फोर्टीन, फोर्टीन मतलब कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी वाला। देखो कितना डेंजरस क्वेश्चन था यार ये, आगे बढ़ते देखिए, आई होप कि क्लियर होगा, ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको पावर दी गई है, और पावर बताओ कितनी, हंड्रेड टाइम्स तक पावर। अधिकतर लोग क्या करेंगे, अधिकतर लोग इसको करेंगे पावर की वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आएगा, लेकिन कब तक कोई पावर, एट की पावर हंड्रेड है, अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको जन्म लेना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन कर पाओगे। देखो शॉर्ट तरीका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आठ की पावर यहाँ पर क्या वन है, कुछ नहीं तो वन मान लो, आठ की पावर दो है, यहाँ पे आठ की पावर बताओ कितनी तीन है, यहाँ बताओ कितनी है, आठ की पावर कितनी हंड्रेड, मतलब ये वाले क्वेश्चन को आठ की पावर हंड्रेड तक लिखा गया है। तो सबसे बेसिक तरीका देखे, हम बात करते हैं आठ की और वन की बात, आठ की और वन का मतलब कितना होगा, आठ होता है, लास्ट डिजिट से मतलब रखेंगे, आठ की और दो का मतलब कितना होगा, 64 होता है, 64 में आपको क्या चार उठाना है, आठ की और तीन का मतलब बताओ क्या, 512 होता है, लास्ट में कितना उठाइए तो उठाइए, आठ की और चार में क्या होगा लास्ट में, तो दो में आप आठ का गुना कर दो, यहाँ पे हम लास्ट डिजिट से मतलब रख ले कि आठ की पावर यहाँ फोर है, आठ की पावर अगर थ्री ये है, एक पावर बढ़ाएंगे तो भाई इसी में ऑब्वियसली है कि 512 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, आठ का मल्टीप्लाई करोगे, दो में पहले हमने आठ का मल्टीप्लाई कर दिया था, लास्ट डिजिट बताओ कितना हो गया। अच्छी अब इनको आप एड कर लीजिए, इन सभी को आप एड कर लीजिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा दस, ये भी भाई साहब दस, लास्ट में कितना होगा जीरो, जीरो जीरो, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक से लेकर पावर आठ कर वन से लेकर आठ कर चार तक भाई यूनिट डिजिट बताओ कितना होगा, जीरो होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर कौन सा लगाइए, लॉजिक समझिए, बात को समझिए कि पावर बताओ कितनी है भाई साहब, पावर है यहाँ पे हंड्रेड, तो देखो हर चार पावर के पास, हर चार पावर के पास क्या जीरो आएगा, आप चाहे तो रैंडमली सोल्व करके देख लेना, हर चार पावर के पास भाई जीरो आएगा, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, तो भाई पावर कितनी है सौ है, इसमें चार से भाग लगाओ तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 25 पेयर बनेंगे, हर पेयर बताओ कितना आएगा, जीरो आएगा, इसका मतलब लास्ट में जीरो चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बताओ यूनिट डिजिट कितना होगा, जीरो होगा, सभी पेयर बनेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए ना यहाँ पे, क्योंकि वन टू थ्री फोर पावर हम फोर तक जाएंगे तो जीरो आएगा ठीक है, जीरो तक आएगा, तो हमने क्या किया कि चार ग्रुप मिलकर ही जीरो ला रहे हैं, तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे पावर के फॉर्म में, तो सौ में हमने चार से भाग लगा दिया तो 25 पेयर बनेंगे, मतलब 25 चार चार ग्रुप 25 बार आएंगे, तो हर एक ग्रुप का इकाई कितना होगा, जीरो होगा, तो लास्ट में क्या आएगा, जीरो, ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन था यार, देखो कितना खतरनाक तरीके से उड़ा दिया, आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट नया तरीका। देखिये ये भाई साहब इसका निकालना आपको इकाई है, थोड़ा समझिए ये क्या है, ये नई चीज क्या भाई साहब, ये नई चीज का बोलते हैं फैक्टोरियल ठीक है, फैक्टोरियल बोलते हैं इसका आपको निकालना इकाई, फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, हिंदी वाले लिखो भाई क्रम गुणित, क्रम गुणित, फैक्टोरियल का मतलब क्या, क्रम गुणित, कोई सा भी नंबर अगर फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो वैल्यू चार लिखी हुई है इसको घटते क्रम में आप जब तक लिखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब तक बनना जाए, बस सिंपल सी कंडीशन है, चार ऐसा कैसा, तीन लिखेंगे, दो लिखेंगे, एक लिखेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 24 आ गया। सेम बताओ क्या होगी, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120, की वैल्यू बताओ रहे भाई क्या है, फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 सभी का मल्टीप्लाई करो 6000, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 2 × 1 ठीक है, ऐसे वैल्यू निकालते, फैक्टोरियल 1 मतलब 1 होता है और सबसे अपवाद एक्सेप्शन, फैक्टोरियल 0 हमेशा बताओ कितना होगा, फैक्टोरियल 2 साइन अब यूज कर लो, या तो ये साइन अब यूज करो या तो ये साइन, एक ही बात है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है भाई, ये अपवाद एक्सेप्शन है, हर चीज का कहने का अपवाद होता है, तो फैक्टोरियल 0 मतलब क्या बनाएगा, तो इस वाले क्वेश्चन आपको बताना है फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू का मान आपको बताना है, लास्ट में 24 आएगा मतलब 4, लास्ट डेट कितना होगा 4, तो 4 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फैक्टोरियल का वैल्यू का नॉलेज होना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चन आप रैंडमली कर सकते हो। आगे देखिए सबसे ये वही क्वेश्चन, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू बताओ कितनी, अभी 6 की हम बात करें, 6 की वैल्यू हम अभी आपके सामने, फैक्टोरियल जो 6 की वैल्यू होती है भाई साहब वो कितनी होती है, 720 होती है, थोड़ा ध्यान रखिए, 720 में बताओ लास्ट डेट क्या है, जीरो जीरो जीरो, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए कि फैक्टोरियल 1 हो गया भाई है ना, फैक्टोरियल आप ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, फैक्टोरियल 2 ले लेते हैं,
फैक्टर हम दो की वैल्यू ले लेते हैं, फैक्टर दो की हम वैल्यू ले लेते हैं सबसे पहले कि दो की वैल्यू भाई क्या था, दो की वैल्यू ले लेते हैं, फैक्टर दो की वैल्यू ले लेते हैं, दो की जो फैक्टर वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वन और टू होती है। तो फैक्टर थ्री की हम वैल्यू लेते हैं, ये होती है थ्री इंटू टू इंटू वन, सॉरी इसको उल्टा कर दिए, टू इंटू वन मतलब टू आएगा ना, इसका कितना आएगा थ्री आएगा। फैक्टर आपके पास फोर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 24 आएगी, ठीक है, ये हॉट पॉइंट बता रहा हूँ। फैक्टर फोर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 24 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, फाइनली 24। देखिए इसके बाद फोर्थ पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, फोर्थ पॉइंट मतलब क्या, फैक्टर फाइव की वैल्यू बताओ क्या होगी, फैक्टर फाइव की वैल्यू थोड़ा ध्यान रखिए, फैक्टर फाइव की जो वैल्यू होगी 5 इंटू 4 3 इंटू 1 इंटू 1 सबका मल्टीप्लाई करो कितना 120 आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिए। फैक्टर 4 के बाद हमेशा ध्यान रखो लास्ट में इकाई बताओ कितना होगा, हमेशा चीज होगा। कल को कोई आपसे कहीं ये पूछ ले बताओ कि भाई साहब फैक्टर 7 की इकाई क्या होगा, आप आंख बंद करके जीरो लगाओ। फैक्टर 11 की बताओ वैल्यू क्या होगी लास्ट डिजिट की, तो जीरो आएगा। फैक्टर आपसे कभी ये कोई पूछ ले बताओ 1, 4, 3, 6 की वैल्यू क्या होगी, तो आप आंख बंद करके आंसर क्या दोगे, जीरो दोगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 के बाद हमेशा फैक्टर वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, इकाइन क्या होगा उस वैल्यू का, जीरो होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए हाँ ये पैसा जो अभी बताया उसका हम यूज करना। तो देखो इसने ये बोल दिया बंदे ने कि एक्स से लेकर कहाँ तक ऐड करो, 100 तक फैक्टर को ऐड करो, और सभी को हमको बताने इकाइन क्या होगा। अभी आपको हॉट पॉइंट बता चुका हूँ कि हमको कहाँ से मतलब रखना है, एक्स लेकर चार तक मतलब रखना, क्योंकि चार के बाद लास्ट में बताओ क्या आएगा, जीरो आएगा, चार का लास्ट में जीरो आएगा। तो एक की वैल्यू बताओ कितनी होगी, एक की वैल्यू एक होगी भाई साहब, दो की वैल्यू बताओ दो होगी, तीन की वैल्यू बताओ कितनी पीछे होगी, और चार की वैल्यू बताओ कितना 24। इसके बाद तो जीरो 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 जीरो, इस जीरो से कोई मतलब नहीं भाई हमको ना, थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का। सभी को हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना चार, यहाँ पे कितना छह, चार 10 ले लेते हैं, 12 और कितना 13, 13 मतलब इकाई बताओ कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन किसमें दिख रहा, ऑप्शन नंबर 3 सवाल का सही आंसर होगा। ये एडिशन वाला अगर इसमें मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन बना लेते हैं उसका क्या होगा यूनिट, देखिए इकाई क्या होगा, मल्टीप्लाई वाला मतलब कैसा क्वेश्चन, ये होता है कि फैक्टोरियल 1 का मल्टीप्लाई करो, फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई करो, आप फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई करो, ऐसे फैक्टोरियल 4 का मल्टीप्लाई करो, कहाँ तक जाओगे मल्टीप्लाई करते करते करते, ये मल्टीप्लाई करते करते आप जाओ आराम से फैक्टोरियल 100 तक, तो बताओ इसका इकाई क्या होगा। तो इसके इकाई में क्या होगा थोड़ा ध्यान रखिए आप सभी, इसके इकाई में तो यहाँ से भाई साहब 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ से कितना 4 आएगा, लेकिन इसके बाद फैक्टर 5 की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, इसके लास्ट में बताओ कितना होगा, 0, 6 की वैल्यू लास्ट में क्या आएगा, 0, 7 की वैल्यू लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब लास्ट में सभी में क्या यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 0। तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा 0 आंसर होगा, इतना ध्यान रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 का, थोड़ा ध्यान रखिए। प्लस फॉर्मेट में और मल्टीप्लाई फॉर्मेट में दोनों में अंतर है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये सेम कहानी, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, हमको बताना है फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर 3 की वैल्यू रखो भाई, ठीक है, 4, 7 की वैल्यू रखो आप, 4 की वैल्यू रखो भाई साहब, 2 की वैल्यू रखो, 9 की वैल्यू रखो, फिर 4 से आराम से डिवाइड मारो और फिर यूनिट डेट लाना। इतना समय नहीं अपने पास, हमें अभी बता चुका हूँ भाई साहब कि फैक्टर 3 की वैल्यू बताओ कितनी 6 है, इसके बाद कितना 14 है, ठीक है, ये बताओ इसका इकाई कितना होगा भाई। फैक्टर 7 है, 7 के लास्ट बताओ कितना होगा, लास्ट में यहाँ पे 0 होगा, 0 पर कुछ भी हो इकाई तो 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम कहानी, फैक्टर 4 से मतलब कितना पड़ेगा भाई, फैक्टर 4 से मतलब रखो, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, तो फैक्टर 4 की वैल्यू बताओ कितनी 24, 24 पावर कितना 29 होगा। फैक्टर 2 की वैल्यू उठा लेते हैं, 2 की वैल्यू कितना 239, ऐसे कैसा है, इसका कोई मतलब नहीं, ना इसका कोई मतलब ना इसका मतलब, चलो हम 6 की पावर 14, यहाँ से 2 अब 4 से भाग लगाइए तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा, यहाँ से कितना 2, तो 6 की तो फैक्टर बता चुका हूँ कि 6 फैक्टर बोलते हो या लास्ट में 6 आएगा, तो भाई इकाइंग में भी 6 ही आता है, 6 ऐसा कैसा माइनस इसका ले लेते हैं, यहाँ पर 4 है तो 29 में अब 4 से भाग लगाइए तो भाई रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो 4 की पावर 1 लगाइए। सेम कहानी यहाँ पे हम रिपीट करेंगे, 4 9 36 हो जाएगा, 36 मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना 3, 2 की पावर कितना 3 लगाइए, सेम कहानी फिर रिपीट करते सबको हम कैलकुलेट करते चलो, 6 ऐसा कैसा माइनस 4 ऐसा कैसा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना 8, सभी को हम 8 कर लो, 6 में से 4 गया था 2 2 प्लस कितना 10 10 मतलब लास्ट में क्या आएगा 0। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला, देखो कितना डेंजरस क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखिए इसको हमने सोल्व नहीं किया, इसको सोल्व नहीं किया क्योंकि फैक्टर 4 के बाद कोई सा भी फैक्टर आएगा वो हमेशा 4 से डिवाइड होता है और हमेशा लास्ट रखो, उसमें लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। देखो ये डेंजरस क्वेश्चन ले लेता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अपोजिट बना लिया है, इसमें क्या बोला गया है कि भाई इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में भाई x प्लस 2 इसका इकाई होगा, तो हमको ये बताना कि x की वैल्यू क्या होगी। ये थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन, देखिए इस टाइप वाले क्वेश्चन को हमेशा
ऑप्शन की हेल्प कीजिए, तो आप एग्जाम में कम समय में इस क्वेश्चन कर सकते हो। इसका सभी का इकाइंक कितना प्लस एक्स प्लस टू है। देखिए लास्ट डिजिट का यूज करिए, लास्ट डिजिट कितना है, थ्री है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्स लाना है भाई साहब। एक्स प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा। सभी का मल्टीप्लाई कर लो, सभी का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक्स लिखिए ना, यहाँ पे x होगा, x प्लस टू का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे छह अठारह, अठारह मतलब कितना, आठ एक्स हो जाएगा भाई साहब। तो यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। उसका उधर भेजिए, उसका उधर भेजिए, इसको आप उधर भेजिए, तो भाई आठ एक्स में से एक्स एक्स क्या है, कितना हो जाएगा, सात एक्स, सात एक्स बराबर कितना, दो। ये आ गया, इस इक्वेशन बन के आ गई, इस इक्वेशन को ऑप्शन से हम सेटिस्फाइड करेंगे कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखे ऐसे कि उसका यूनिट बताओ कितना आएगा, तो आना चाहिए। तो आप ऑप्शन की हेल्प ले लीजिए, सात ऐसा कैसा हम ले लेते, तीन सात तीन इक्कीस बताओ आया कितना, भाई साहब एक आया लेकिन आना कितना चाहिए दो, तो ये ऑप्शन तो हटाओ, उसका सल्टा देते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सात और पांच ले लेते, सात और पांच कितना, पैंतीस, आना कितना चाहिए दो लेकिन पांच आए, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता भाई। सात और छह ले लेते हैं, बताओ लास्ट में कितना, फोर्टी टू आ रहा, हाँ फोर्टी टू मतलब टू आ रहा, हाँ आ रहा भाई। देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिए, इस वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, एबिलिटी आपके पास सोचने की होना चाहिए। ऑप्शन के आप हेल्प लीजिए तो दो सेकंड में इस क्वेश्चन कर सकते हो। कितना भयंकर क्वेश्चन था, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम एक कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। ये तो ओनली बेसिक पार्ट था, याद रखिए इस क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।